हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद जीनत। आज मैं आपके लिए देगी बिरयानी की रेसिपी लेके आई हूँ। ऐसे तो मैंने काफ़ी बिरयानी डाले हैं अपने इस पे चैनल पे, लेकिन ये आज मैं देगी बिरयानी बनाऊँगी, जिसके लिए जिसका पहला प्रोसेस मैं बताने जा रही हूँ। एक किलो हमने सेला चावल गैलेक्सी लिया है, जिसको मैंने 2 घंटे भिगोना है, और 1 किलो मैंने चिकन लिया है जिसको मैरिनेट करना है, जिसमें हमें 2 चम्मच लाल मिर्च, 2 चम्मच नमक और 1 चम्मच ज़ीरा डाल के मैरिनेट करके हम इसको फ्रिज में रख देंगे। चावल हमारा फूल गया है, पानी हमने बॉईल कर लिया है। सेकंड स्टेप, अब हम इसमें 4 चम्मच नमक डाल देंगे और थोड़े खड़े मसाले, तेज पत्ते, 2 स्टार चक्र, इलायची, दालचीनी डाल के अब हम इसमें चावल उबलने देंगे। 1 कन्नी हम चावल बना लेंगे। अब हम चावल डाल के इसको हम चावल पकने देंगे। अब हम तीसरा स्टेप बिरयानी के चिकन तैयार करेंगे। चावल का पानी निकाल लिया है, 1 कन्नी चावल का करके मैंने बना लिया है। अब हम चिकन बनाएंगे। ये तीसरा और लास्ट प्रोसेस है। चिकन हमारा मैरिनेट हो चुका है, 2 चम्मच लाल मिर्च, 2 चम्मच नमक और 1 चम्मच साबुत ज़ीरा डाल के हमने मैरिनेट कर लिया था। अब हमने मसाले में कुछ लिए हैं, जिसमें हमने कटी हुई हरी मिर्च ली है 2 से 3, 1 कटोरी के लगभग धैरा धनिया है कटा हुआ, 1 कटोरी हरी मिर्च है, 1 कटोरी से थोड़ी कम है, हमने घर की बनी हुई मिर्च ली है, आप बाज़ार की भी ले सकते हैं मिर्च, और 2-3 तेज पत्ते हैं, 2 इलायची है छोटी, 1 कटोरी प्याज है, 1 से 1.5 प्याज हमने काट लिया है, 1 कटोरी दही है, 150 ग्राम के लगभग होगी दही, 2 से 3 चम्मच लहसुन का पेस्ट है, अदरक हमने पतले पतले काट लिए हैं लंबे लंबे, और 1 से 1.5 चम्मच गरम मसाला है, इसमें हम पिसा गरम मसाला डालेंगे। अब हम ऑयल गरम करेंगे। ऑयल हमने 4 से 5 चम्मच लिए हैं। आप चाहें तो इसे सरसों तेल में भी, मस्टर्ड ऑयल में भी बना सकते हैं, और आप इस बिरयानी को बासमती चावल में भी बना सकते हैं। बासमती चावल जब वो बॉयल करें तो उसमें 1 से 2 चम्मच ऑयल ज़रूर डाल दें, क्योंकि बासमती चावल जल्दी टूट जाता है। अब हम इस चावल को, इस प्याज को हम लाल करके, ब्राउन करके इसको हम निकाल लेंगे। प्याज हमारा ब्राउन हो गया है, अब हम प्याज को निकाल लेंगे। उसमें हम साबुत गरम मसाला डालेंगे। अब हम इसमें लहसुन डालेंगे और मैरिनेट किया हुआ चिकन डालेंगे। इसको 5 मिनट तक इसमें हम भूनेंगे। अब हम 5 मिनट हो गए इसको भूनते हुए। अब इसमें हम आधा अदरक डालेंगे, पूरे अदरक नहीं डालेंगे, आधे अदरक डाल देंगे, और इसमें हम दही डाल लेंगे। अब इसको हम मिक्स करके अच्छे से 2 मिनट के लिए ढक देंगे। इसको हम 2 मिनट के लिए अच्छे से ढक देंगे। अब हम चिकन को खोल लेंगे। अब हम इसमें गरम मसाला डालेंगे। अब हमारा पानी है इसमें, इसी में हम चावल डाल देंगे और तह बैठाएंगे, क्योंकि इसी में हमारा चावल गल भी जाएंगे, और खुशबू के लिए हम इस पर गरम मसाला डालेंगे। 2 चम्मच हमने गरम मसाला लिया है। अब हम इस पर चावल डालेंगे, चावल की हम इस पर तह लगाएंगे। आँच हम धीमी रखेंगे, गैस बिल्कुल लो रखेंगे। चिकन के ऊपर डाल दी है, अब हम इसमें मसाले डालेंगे, उसको मिक्स करेंगे। हम धनिया पत्ती और हरी मिर्च और साथ में ये अदरक, इसके साथ हम
इसमें कलर मिक्स करेंगे, इसमें हम कलर मिक्स करेंगे, साथ में इसमें केवड़ा डालेंगे खुशबू के लिए, एक चम्मच। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके तह के ऊपर डालेंगे, इस पे हम अच्छे से फैलाएंगे। इसको हम अच्छे से फैलाएंगे और इस पर हम मिर्च का अचार जो है उसको भी फैलाएंगे और हम ये चावल प्याज जो हमने ब्राउन किया था उसको भी हम इसके ऊपर फैलाएंगे। इसके ऊपर हम फैला देंगे। अब हम इसके ऊपर से फिर से चावल की लेयर डालेंगे, इस पे हम दूसरी चावल की लेयर तैयार कर रहे हैं। केवड़ा और डाल देंगे और इसको हम अच्छे से ढक देंगे। हमारे इसमें आवाज प्याज पानी की छन छन की आ रही है थोड़ी, हम 10 मिनट तक इसको बंद करके दम पे रखेंगे। दम पे रखेंगे, इस पे हम कोई भारी चीज रख देंगे, या तो आप अल्मोनियम फॉयल से कवर भी कर सकते हैं और इस पे कुछ भारी चीज रख दें कि इसके एयर बाहर ना आए, और इसको 10 मिनट तक बिल्कुल लो गैस पे इसको रखेंगे। हमारी देगी बिरयानी अब बनने वाली है। हमारी बिरयानी तैयार हो गई है, अब हम इसको सर्व करेंगे। 10 मिनट दम पे रखा था और 10 मिनट बाद हमने इसको खोला है। अब हम देख सकते हैं कितनी अच्छी हमारी बिरयानी बनी है। अब हम इसको प्लेट में सर्व करेंगे। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।